किसानों की एंट्री हो चुकी है, फोर्स पिछे हटती हुई सज्जे पास्यो। अगर हमें सुरंग खोद के भी जाना पड़े ना तो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। मोदी चाहे मोदी की माँ भी आ जाए वो भी नहीं रोक सकती हमें। जो नुकीलिया किला लाई हुए सी नौजवानों ने सारिया पट दिया। ये आप देखिए कि किसान दो किले लगी हुई है उनको तोड़ने के लिए ये ट्रैक्टर लेके आए हैं। दीज आर फार्मर्स, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। आंसू गैस के गोलों को डिफ्यूज करने के लिए गिली बोरियां लेकर किसान खड़े हैं। ये पानी का स्प्रे है। देखो दो ट्रालियां ते इधर हाइड्रा भी नाल लेके चले भाई आवे बैरिकेड चकना वास्ते। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल 13 फरवरी के सारे घटनाक्रम हमने आपको बताए थे, किस तरह अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं किसानों के ऊपर, रबड़ बुलेट चलाई जा रही है, कुछ खोल भी मिले हैं गोलियों के, जो असली वाली गोली होते हैं उनको किसानों ने दिखाया है, जबरन लोगों को दबाने की, किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो धरातल से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को बंद किया जा रहा है। आज किसानों ने क्या किया भाई साहब, कुछ तोड़ निकाला, यानी कि बैरिकेड तोड़ने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उस दिमाग लगाने में उन्होंने ज़बरदस्त तैयारियाँ की और उनका रिजल्ट भी देखने को आया। दूर से ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है, हरियाणा के बॉर्डर से ड्रोन को उड़ाकर उसके अंदर रख दिए जाते हैं अश्रु गैस के गोले और किसानों के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। 2.5 से 3 हज़ार कल अकेले शंभू बॉर्डर पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, रबर बोट चलाई गई। आज किसानों ने इसका तोड़ निकाल लिया। क्या तोड़ निकाल लिया, आज बसंत पंचमी है तो पतंग उड़ाए जा रहे हैं, तो ड्रोन उसमें फंस कर भरभरा जा रहा है, कहीं वो गिर ना जाए इसलिए पुलिस कर्मचारी उस ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। तो पहला तोड़ तो ड्रोन्स का हमारे अन्नदाताओं ने दिमाग लगाकर ये निकाल लिया है कि हम तो पतंग उड़ा रहे हैं और आपका ड्रोन वहाँ आ रहा है तो उसमें फंस कर वो गिर ना जाए या वो गिर गया है तो उसको किसानों के हाथ नहीं लगने देना, इस प्रकरण के लिए वो ड्रोन को वापस ही ले जा रहे हैं। ये तो हो गया इसका इलाज। दूसरा इलाज है बैरिकेड तोड़ने के लिए किसानों ने जो तैयारियाँ की हैं, जैकेट, जो रबड़ बुलेट लगती हैं, रबड़ बुलेट फायर की जाती हैं, उसके लिए जैकेट पहननी उन्होंने शुरू कर दी है। और अश्रु गैस जो ड्रॉप हो जाती है, कल काफ़ी वीडियो हमें ऐसे देखने को मिली है जिनमें अश्रु गैस जो एक्सपायर हो चुकी है वो किसानों के ऊपर फायर की जा रही है। जो बोछार पानी की मारी जा रही है उसमें ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जिससे शरीर में 100 तरह की बीमारी एकदम से उत्पन्न हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आदमी और गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। ये अत्याचार की सीमा तमाम जो होते हैं वो हरियाणा की सरकार पंजाब के किसानों के ऊपर कर रही है। एक एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे और ये भी दिखाएंगे कि आज भी इस दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सम्मान के बदले, कुछ पद के बदले और पैसों के बदले या किसी के दबाव में अपना आत्मसम्मान और अपने पूर्वजों का जो इज्जत है उसको नहीं खोते। किसान आंदोलन का 2.0 वर्जन अब चल रहा है, सबको पता ही है, फिर से किसान आंदोलन चल रहा है। 14 फरवरी है, कल 13 तारीख को उन्होंने कूच किया था, आज किसान थोड़ा सहज हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं। किसानों को, किसान नेताओं को चंडीगढ़ में वार्तालाप के लिए भी बुलाया गया है। एक एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो अश्रु गैस के गोले जिस ड्रोन से दूर से ऑपरेट करके डाले जाते थे उन ड्रोन को वापस भगाने का काम किसान कर रहे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं, ड्रोन सामने दिख रहा है, वो रस्सी जो होती है ना पतंग उड़ाने वाली, वो ड्रोन में अगर फंस जाएगी तो क्या है, उनमें पंखे ही तो होते हैं, उन पर भरभराकर नीचे गिर जाएगा, इसलिए पुलिस वाले उसे वापस ले रहे हैं। वीडियो देख लीजिए। ये तो होगा ड्रोन का तोड़ कि ड्रोन को किस तरह से रोकना है। अब आते हैं भाई साहब अश्रु गैस के गोले जो ड्रॉप कर दिए जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। किसानों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। पानी की बोछारे लेकर जा रहे हैं भाई साहब, पानी की बोछारे उसके ऊपर तुरंत मारे, वो वहीं पर फ्यूज हो जाता है। गीली बोरी रख रहे हैं, गीली बोरी जैसे उसके ऊपर ढाल देते ना वो वहीं पर भरभराकर फुश हो जाता है। अश्रु गैस के गोले से जो प्रशासन और सरकार किसानों को रोकने की जो कोशिश कर रही थी उसका तोड़ भी देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। देखिए कि उनके आंसू गैस के गोलों को डिफ्यूज करने के लिए गिली बोरियां लेकर किसान खड़े हैं। ये पानी का स्प्रे है, या आप देखिए कि वो आंसू गैस का गोला
तो भाई साहब अब रहेगी मुख्य बात जो बैरिकेड तोड़ने वाली, तो बैरिकेड तोड़ने जो किसान जाएंगे तो उनके पास व्हीकल भी होने चाहिए उसी प्रकार के, खुद को भी प्रोटेक्शन देना है, व्हीकल पंचर ना हो ये भी काम करना है। तो कीले जो गड़ी हुई हैं उसको किसान खुद तोड़ रहे हैं, सारी बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, उनको बैठा रहे हैं नीचे, कुछ ऐसी नुकीली चीज़ और कुछ पत्थर जैसी चीज़ उनके ऊपर मारकर उन कीलों को समांतर किया जा रहा है। दूसरा, प्रोटेक्टिव पहने जा रहे हैं, जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन में जैसे तैयारियां होती हैं ना सिक्योरिटी को लेकर, जो ऊपर जैकेट पहनी जाती है, नीचे पैरों में भी पहनी जाती है, जो रबड़ बुलेट लगते हैं ना उनको सहा जा सके, इस तरह की तैयारियां किसानों ने कर ली है। ट्रैक्टर के चारों तरफ टिन शेड लगाया जा रहा है ताकि दूर से कुछ फायर किया जाए तो वो उसको लगकर बाहरी ड्रॉप हो जाए, अंदर जो उसको ड्राइव कर रहा है ट्रैक्टर को वो चोटिल न हो। बैरिकेड तोड़ने की ये तैयारी भी आप देख लीजिए। देखिए कि किसान को दो किले लगी हुई है उनको तोड़ने के लिए ये ट्रैक्टर लेके आए हैं और ये आप देख सकते हैं, और ये किसान बैरिकेड खींचने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये बेल आप देखिए, और ये जो नौजवान हैं ये ट्रैक्टर चला रहे हैं जो, और बैरिकेड खींच रहे हैं, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं ताकि जो पुलिस जो अत्याचार कर रही है किसानों के ऊपर उससे बचा जा सके। तो जो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, जो रबड़ बुलेट मार रही है, उसके बचाव में किसान ये पहन रहे हैं। तो ये तो थोड़ी भाई जो बॉर्डर के ऊपर जो हमारे किसान पंजाब के किसान बैठे हुए हैं उनकी बात, पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं, कई जगहों से आ रहे हैं, अकेले पंजाब से नहीं आ रहे। तो जो मिथ था कि पंजाब के किसानों की हरियाणा के किसानों की लड़ाई है वो भी भरभरा गई है यहाँ पर। और जब कल ये अत्याचार हुआ, खून बहता हुआ हमने देखा, किसानों का खून बहता हुआ, 30 से ज़्यादा किसान तो अकेले बता रहे हैं खनौरी बॉर्डर पर घायल हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर बहुत सारे किसान घायल हुए हैं, आँखों में बताया जा रहा है कि रबड़ बुलेट लगे, किसान अपने हाथ में लेकर बुलेट का खोल जो होता है ना एम्प्टी केस जिसको बोलते हैं, जो पीतल का होता है असली वाली गोली वाला, वो दिखा रहे हैं कि देखिए हरियाणा की सरकार अन्नदाताओं के ऊपर किसानों के ऊपर गोली चला रही है। ह्यूमन राइट्स गए तेल लेने, जो संविधान होता है लोकतांत्रिक अधिकार होता है वो गए तेल लेने। इस देश में इस सरकार का जो रवैया आप आज जो देख रहे हैं इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था की द्योतक नहीं है। ये सरकार जो चाहती है वो करके मानेगी ये दिखा रहे हैं, और आज जिस तरीके से थोड़ा सा होल्ट किसानों ने लिया हुआ है वो इसी रणनीति को बनाने के लिए लिया हुआ है। उनको पता चल गया है किसानों को कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितने ही लोगों पर गोली भी चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। 750 किसान तो पहले शहीद हो गए ना, अब और मारने के लिए तैयार बैठे हैं। स्पष्ट सभी सोशल मीडिया हैंडल जो वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं उनको बैन कर दिया है, लगातार ट्विटर फेसबुक सब बैन करते जा रहे हैं उनको। मंदीप पुंदिया है, पहले वाला किसान आंदोलन भी कवर किया था, अब भी कर रहा है बेचारा, बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर है उनके दोनों, एक तो खुद उसका मंदीप पुनिया नाम से है, एक गाँव सवेरा नाम से है, उसको भी विल्ड हेड करा दिया है, बंद करा दिया है। ये स्थिति है भाई साहब इस सरकार की। पर क्या वही किसान हैं? क्या वो संख्या में कम पड़ जाएंगे? क्या उनके पास ट्रैक्टर कम है? इस बात को दिमाग से ये सरकार निकाल दे, किसान वापस चले जाएंगे, हार जाएंगे, वो गोली चलाएंगे तो अपना कदम पीछे रख लेंगे? नहीं नहीं नहीं, इस चक्कर को मोदी सरकार छोड़ दे, इस देश के अंदर तक किसी आज तक न हारा है और न हारेगा और न ही पेट दगाकर भागेगा। तैयारियाँ फुल चल रही है। गुरनाम सिंह चढ़ोई के पहले विचार आते थे ना कि ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान नहीं है, हम नहीं जाएंगे राजनीतिक तरीके से, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, पहले बैठे थे आंदोलन में तभी MSP क्यों नहीं लिया, ये बातें सब गई तेल लेने। अब गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने भी पंचायत बुला ली है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है, एक ही दो दिन में देख लेना किसानों के ऊपर यही अत्याचार होता है, गुरनाम चढ़ोनी बैरिकेड तोड़ते हुए आपको नजर आएंगे। राकेश टिकैत ने भी बयान दे दिया है, और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी बयान आ गया है भाई साहब कि हम 15 फरवरी को मीटिंग बुला रहे हैं, सभी जितने बॉर्डर्स पर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर टोल प्लाजा है उनको सील कर देंगे। दर्शन पाल जी का ये स्टेटमेंट सुन लीजिए, संयुक्त किसान मोर्चा से है ये। जो ये तशद्दुद किया गया है, ये जो जुल्म हुआ है, इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब ने फैसला किया है कि वह कल 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे पंजाब में सारे टोल प्लाजा जो हैं उनको फ्री करेंगे। और इसी के साथ मीटिंग में यह भी पता चला है कि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और भारतीय किसान यूनियन डकौंदा मंजीत धनेर ने फैसला किया है कि वह कल 12 से 4 बजे तक पंजाब में रेल रोको का आह्वान करेंगे, यानी रेल रोकेंगे। तो भाई जगह जगह रेल रोकी जाएगी, संयुक्त किसान मोर्चा का स्टेटमेंट भी आ गया है, और 16 फरवरी को भारत बंद है ही, तब तक ये नहीं सुधरे
किसानों की मांग नहीं मानी तो संयुक्त किसान मोर्चा भी एक तरफा ऐलान कर देगा कि आ जाओ भाई, जितने भी किसान संगठन आ जाओ मैदान में। फिर उग्रहा साहब आएंगे ना पंजाब से, वो फिर सब कुछ उखाड़ते हुए आएंगे। उनको पता है ना कितने किसान हैं उनके साथ, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, तो सरकार को सोच लेना चाहिए। इसके अलावा तमाम तस्वीरों को सरकार के सह पर बैठकर ये गोदी मीडिया अलग दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये देखिए हिंसक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, दिल्ली में क्या करने जाएंगे। गृहमंत्री अनिल विज कह रहे हैं ना कि इनका कुछ और ही मंशा है, उस मंशा को तो जो दुष्प्रचार है और इनकी ओछी हरकत जो है, इनकी गंदी सोच जो है, उसको कुछ लोग बेनकाब कर जाते हैं। स्वामीनाथन जी ने पूरी जिंदगी किसानों के लिए अपनी लगा दी, उनकी आवाज़ उठाने की लगा दी, उनकी दशा को सुधारने के लिए लगा दी, आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है मरणोपरांत। उनकी बेटी, उनका नाम है, मैं बताना चाहूँगा आपको, मधुरा स्वामीनाथन जी, उन्होंने इस अवार्ड को आज स्वीकार किया वर्चुअली, यानी कि वो वीडियो कॉल में उनको बोलने का मौका दिया, इधर से उनको अवार्ड कन्फर किया गया उनकी बेटी को। क्या कहा पता है उन्होंने कि पूरी ज़िंदगी स्वामीनाथन जी ने अपनी कोशिशें और अपने कार्य किसानों को समर्पित कर दिए, उनके साथ बातचीत करो, उन्हें एक क्रिमिनल्स की तरह ट्रीटमेंट करो। भावुक हो गई वो, एक तरीके से रोने लगी कि अन्नदाता के साथ बात करो, उनको क्रिमिनल्स की तरह बॉर्डर के ऊपर सील करके, ये व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरकार से अवार्ड दे रहे हैं ना, और उन्हीं की बेटी ने इस सरकार को ही आईना दिखाया, सुन लीजिए। These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor M.S. Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. थोड़ा अंग्रेजी में भाषण था इनका, अंग्रेजी में स्टेटमेंट था, आप समझ नहीं पाए होंगे, पर बातें जो थी मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बता दी। आज भी ईमान वाले लोग हमारे देश में, हम मधुरा स्वामीनाथन जी को बिल्कुल तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार के एक भारत रत्न के प्रलोभन के चलते हुए जो उनको सम्मान दिया गया था उसके वो लायक हैं, तो उसका एहसान न मानकर किसानों की आवाज़ को दबा देना, जयंत चौधरी जिस तरह से चले गए उनको फॉलो न करना, ये आईना दिखाता है आज के दिन भी कि कोई अपने ज़मीन पर रहना चाहे, चाहे रहना तो बिल्कुल रहेगा, उसको कोई डिगाने वाला, हिलाने वाला वहाँ से नहीं। अब देखना ये होगा कि हमारे किसान किस तरह से रणनीति अपना रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने की तैयारी पूरी हो रही है, संयुक्त किसान मोर्चा, बड़े बड़े किसान नेताओं के बयान आने लगे हैं, वो भी किसानों के समर्थन में आएंगे, अत्याचार हमने देख लिए, आँखों तक गोलियाँ रबड़ बुल्ट लगी हैं, आंसू बह रहे हैं, पैर टूटे हुए हमने लोगों को देखे हैं, चारों तरफ खून देखा है, तमाम कोशिशें हो रही हैं, हम मजबूर होकर भी वह तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, नहीं तो हमारा चैनल भी ये लोग बंद करवा देंगे। मैंने धरातल पर जाकर देखा है वहाँ का पुलिस का रवैया क्या है, कुछ पत्रकार अकेले फंस गए ना तो तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाएंगे, सीधे आदेश दे रखे हैं कि किसी भी कीमत पर इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। हरियाणा किसान एकजुट होने लगे हैं, पंचायतों का आह्वान होने लगा है, ऐलान एक तरीके से कर दिया गया है कि हम किसान जाएंगे, सिंघो बॉर्डर पर भी जाएंगे, टिकरी बॉर्डर पर भी जाएंगे, उधर यूपी से भी लोग आना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, ट्रेन्स में लोग आ रहे हैं, सरकार वापस भी भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक, कहां तक रोकेंगे, किन रस्तों को रोकेगी, लिमिट होती है ना हर चीज़ की। किसान नहीं आ रहा और नहीं आ रहेगा, इससे पहले सरकार को सुध ले लेनी चाहिए, कुछ अव्यवस्था न फैले, सबको अपने ह्यूमन राइट्स के साथ जीने का अधिकार है, आम जनता भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो, इसलिए इनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर खून खराबा करके ताकत दिखाने की कोशिश ये सरकार करेगी तो, और ये सोच रही है किसान वापस चले जाएंगे, तो ये जो डाउट है ना दिमाग में निकल जाएगा, और जो धब्बा भी लग जाएगा ना इस सरकार के ऊपर, इनका सुपड़ा साफ होने में भी देर नहीं लगेगा। जिस तरह पंजाब से उड़ गए ना, ऐसी जनता भी उड़ा देगी। आएंगे किसान, मांग नहीं माने तो दिल्ली ज़रूर आएंगे, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली आ गए तो ईवीएम वाले हैं, ईवीएम को बैन करवाएंगे, बेरोजगार भी वहाँ पर आएंगे। महिला पहलवानों ने आज ऐलान कर दिया कि हमारे साथ भी धोखा हो रहा है, हम भी आ रहे हैं। गुड़ 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 गुड़गुड़ी बजेगी इसकी, किसकी, जो कुर्सी के ऊपर बैठे, देखते रहना कितना तानाशाह होता हो, जितना बड़ा तानाशाह होता है वो अंदर से इतना ही कमज़ोर होता है, इसलिए बैरिकेड लगाता है, कीले लगवाता है, सीमेंट बैरिकेड के बीच में कंटीले तार लगाता है। क्या अन्नदाता झुक जाएंगे, क्या अन्नदाता पीठ दिखाकर वापस जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए तानाशाह को माइंड सेट में बदलाव कर लेना चाहिए। आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।